जिला स्तरीय नेशनल मैथमेटिक्स डे राजकीय उच्च पाठशाला सासन में आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक संजय ठाकुर ने किया। स्कूल स्टाफ ने शिक्षा उपनिदेशक को गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। इस मौके पर जिला के 20 स्कूलों के करीब 125 छात्रों ने भाग लिया। नेशनल मैथमेटिक्स क्विज प्रतियोगिता में 3 वर्ग, सीनियर सेकेंडरी, सीनियर और जूनियर वर्ग में प्रतियोगिताएं करवाएगी, जबकि मैथमेटिक्स ओलंपियाड भी 3 वर्गों में आयोजित किया गया। इसके अलावा छात्रों को एक वीडियो फुटेज भी दिखाया गया, ताकि मैथ को किस तरह से सरलीकरण किया जा सकता है इसके बारे में जानकारी दी गई। जैसे यह सर्वविदित है कि नेशनल मैथमेटिक्स डे आज के दिन ही मनाया जाता है, और यह इसलिए मनाया जाता है कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे संसार में सबसे बड़े जो गणितज्ञ हुए वो श्री रामानुजन जी थे, श्री निवासन रामानुजन जी, जिन्होंने किसी भी प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने के लिए मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे फार्मूला इंट्रोड्यूस किया, जिनकी वजह से गणना करने में या किसी और समस्या के ऊपर हल पाने में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें कामयाबी हासिल हुई। उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर यह सर्वप्रथम सन 2012 को हिंदुस्तान में मनाया गया था। उस दिन से लेकर आज दिन तक इसे लगातार 22 तारीख को ही मनाया जाता है। जय हिंद। नेशनल मैथमेटिक्स डे का आयोजन जो है वो जिला स्तर पर राजकीय उच्च पाठशाला सासन में जो है वो किया जा रहा है। इसमें जिला के लगभग 20 स्कूलों ने जो है वो भाग लिया, और लगभग 125 बच्चे जो हैं इस प्रतियोगिता में जो है उन्होंने भाग लिया है। इसमें हमने दो तरह के कंपटीशन बच्चों के करवाए, जिसमें मैथमेटिक्स क्विज जो है 3 वर्गों में, सीनियर सेकेंडरी, सीनियर और जूनियर में करवाया गया, तथा मैथमेटिक्स ओलंपियाड जो है वो भी 3 वर्गों में जो है वो करवाया गया। इसके साथ पुष्पा साइंस सिटी गुजरात कपूरथला से जो है वो बच्चों को एक लाइव इंटरेक्शन भी दिखाई गई, जिसमें उन्होंने किस तरह से गणित विषय जो है उसको सरल बनाया जा सकता है उसकी जानकारी जो है वो दी।